हेलो फ्रेंड्स, लेकर आ गया हूँ एक और नई योजना आपके लिए। इंद्रशक्ति फीस पुनर्भरण योजना, जिस योजना की आपको अभी तक जानकारी नहीं थी या पता भी होगा तो आधी अधूरी जानकारी होगी आपको। तो इस योजना की जो जानकारी है वो मैं पूरी जीरो ग्राउंड लेवल से पूरी जितनी भी इसकी जानकारी है वो लेकर यहाँ पर आ गया हूँ आपके सामने वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखें, सबसे पहली बात तो ये है, आप वीडियो आधा अधूरा देखते हैं उसके बाद कमेंट करते हैं, सर इसमें तो ये नहीं बताया आपने, ये नहीं बताता मैं सब कुछ हूँ, लेकिन आप देख नहीं पाते, आप देखने की कोशिश नहीं करते। वो वीडियो को पूरा इसलिए देख रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा टाइम कितना वॉच कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपको जानकारी पूरी आपके सब पास में जो है वो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार द्वारा, जो राज्य सरकार है अपनी गहलोत सरकार है, वो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना यहाँ पर जो लेकर आ गई है। इसका सीधा सीधा सा मतलब मैं बता देता हूँ कि जो आपके घर में छात्रा है और वो प्राइवेट स्कूल में अध्ययन कर रही है, आरटी के तहत यानी आरटी के तहत यानी राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत आपकी बच्ची है जो सरकारी वो प्राइवेट स्कूल में, बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में आपकी बच्ची अध्ययन कर रही है यानी पढ़ रही है, और वो 1 से 8वीं क्लास तक जो है वो लड़का या हो या लड़की हो उसके उनके लिए सबके लिए फ्री है। लेकिन अब 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक सिर्फ छात्राओं के लिए यानी बालिकाओं के लिए भी सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कर दिया है प्राइवेट स्कूल की। अगर आपकी बच्ची आरटी के तहत पढ़ रही है और उसी स्कूल में रेगुलर पढ़ रही है तो 8 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की फीस भी अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप 600 800 1000 2000 जो देते थे वो अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी फीस है जो सरकार अपने आप भरेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट ये थी। अब इसकी डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पूरा देखिए, और नहीं चाहिए तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो देखने का मकसद ये होता है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो पूरी लेकर जाइए, नहीं चाहिए तो वीडियो देखना ही बंद कीजिए, ऐसी इस तरीके की मैं तो साफ कहता हूँ। और अगर आप वीडियो में कुछ दम लगे और अगर आपको पसंद आए और आपके काम की जानकारी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी ये आपसे विनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी अपडेट है जो निकल कर आ रही है। 1 से 8 तक के जो बच्चे थे वो लड़का और लड़की सबों के लिए यहाँ पर माफ़ की थी, और उसके बाद में अब जो 9वीं से 12वीं है उसके लिए भी बालिकाओं के लिए यहाँ पर फीस है जो माफ़ कर दी गई है। यानी माफ़ करने का मतलब है फीस का जो भरण है वो सरकार द्वारा किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी सत्र में भी यहाँ पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसका फॉर्म भरने के साथ में ही आपको इसी सत्र से यानी कि इसी वर्ष से आपको अपनी बालिका की फीस नहीं भरनी पड़ेगी अगर आपने फॉर्म टाइम पे अप्लाई कर दिया, और इसका लाभ आपको पूरे से मिलेगा। तो यहाँ पर 2022-23 की योजना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बालिका द्वारा पंजीकरण 31/12/2022 तक यानी कि 31 दिसंबर तक आप यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा सकते हैं, और बालिका द्वारा आवेदन है वो 1/11 यानी 1 नवंबर 2022 से 31/12/2022 तक यानी कल की डेट से आप 31/12 31 दिसंबर तक 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक यहाँ पर आप है जो आवेदन कर सकते हैं। और DO द्वारा सत्यापन वगैरह है वो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 15 जनवरी तक किया जाएगा। 15 जनवरी तक DEO जो ये सत्यापन करेगा कि हाँ बच्ची इसी स्कूल में पढ़ रही है, इसी स्कूल में उसका अध्ययन चल रहा है, और ये जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उससे रिलेटेड वो सारे सही हैं, तो ये सत्यापन बोलते हैं इसको। ये सत्यापन वो 15 जनवरी तक करेंगे कल की डेट से। और राशि भुगतान प्राप्ति है जो 15 ये जो राशि है ये आपके जो सरकार करेगी, तो इसका सबसे बड़ा काम मैं बता देता हूँ अब आपको, पूरी जानकारी जो बोल रहा था मैं उसके लिए, कि जन आधार में सबसे पहले बच्ची का बैंक अकाउंट है वो ऐड करवाइए। अगर बच्ची का बैंक अकाउंट नहीं है तो मदर का बैंक अकाउंट जरूर वो लिंक करवाइए, सही वाला बिल्कुल चालू अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि इसका जो पैसा है वो आपके खाते में ही आएगा, आपकी मतलब आपके बच्ची की जो माता है या फिर हेड ऑफ मुखिया जन आधार में जो हेड ऑफ फैमिली है उसके खाते में आएगा, जिसके खाते में भी आपको लेना है उसके खाते को हेड ऑफ फैमिली या अपने जन आधार से लिंक करवाइए, और उसी में उसकी राशि है जो यहाँ पर डलेगी। और डलेगी कब, जब DEO सत्यापन कर लेगा कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, ये बच्ची पढ़ रही है और इसी स्कूल में पढ़ रही है जिस स्कूल में आपने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई करते वक्त लिखवाया है। तो ये थी जानकारी पूरी, तो जन आधार में अपडेट करवा लीजिए। सेकंड, आपको जो 15 तारीख 15 नवंबर से लेके 28
फरवरी तक आपको यहाँ पर जो राशि की भुगतान है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा, यानी कि 15 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा आपके खाते में पैसा आना, और 28 फरवरी तक यहाँ पर पैसा आता रहेगा। जैसे जैसे सबके सत्यापन होते जाएंगे पैसा आता जाएगा। तो सबसे बड़ी जो जानकारी थी वो यहाँ पर यही थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो अपडेट थी मैंने आपको पूरी विस्तार से बताई है। और अगर आप भी आपको कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो में दम लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की अपडेट्स हम रूबरू आपको करवाते रहते। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।